नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉलेजियम प्रणाली पर खड़े किए सवाल, कहा न्यायिक नियुक्तियों में तेजी पर हो विचार। प्रवर्तन निदेशालय का दावा, राउत ने पात्रा चौल मामले में पर्दे के पीछे रहकर निभाई अहम भूमिका। सीएम अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस पर हमला, कहा क्या मैं कांग्रेस को कमजोर कर सकता हूं। एसटी सूची में शामिल करने के लिए लंबित प्रस्ताव को लेकर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने केंद्र को लिखा पत्र। केरल के राज्यपाल ने आरएसएस प्रमुख से की मुलाकात, कांग्रेस बोली दोनों के मतभेद दूर करे बीजेपी। आदित्य ठाकरे ने फडणवीस की टिप्पणी पर किया पलटवार, कहा क्या महाराष्ट्र पाकिस्तान है। कानून के छात्रों से बोले प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित, कानूनी सहायता के काम में लगाएं अपना समय और ऊर्जा। केरल में कुत्तों को मारने पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा बेसहारा कुत्तों की हत्या समस्या का समाधान नहीं। सीबीआई ने कोर्ट में कहा तेजस्वी की जमानत रद्द हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीबीआई अफसरों को धमकाने का मामला। शरद पवार ने सरकार पर किया वार, कहा महिला आरक्षण के लिए संसद और उत्तर भारत की मानसिकता अनुकूल नहीं लगती। राहुल गांधी का पीएम मोदी से सवाल, पूछा 8 चीते तो आ गए, ये बताइए 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हंगामा, छात्रा ने 60 लड़कियों की नहाते वक्त वीडियो बना ली 8 वायरल, 8 ने किया आत्महत्या का प्रयास। ...2024 लोकसभा चुनाव के लिए मिशन साउथ पर बीजेपी, दक्षिण के 5 राज्यों की 129 सीटों पर भाजपा की नजर, सबसे कड़ी लड़ाई तेलंगाना में है। झारखंड में 30 फीट गहरी नदी में गिरी बस, 7 सिख श्रद्धालुओं की मौत, 22 से ज्यादा घायल, गैस। टीबी पीड़ितों की सहायता में उमड़ी जना भागीदारी, धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के 4 जिलों के टीबी पीड़ितों को लिया गोद। गाजियाबाद में रिक्शा चालक की हत्या समेत महिला समेत 4 अरेस्ट, मकान का किराया देने के लिए पहले ई रिक्शा लूटा। अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाते गैंगस्टर समेत 2 गिरफ्तार, शाहजहांपुर में पहले भी दोनों जा चुके हैं जेल। सरयू खतरे के निशान से 17 सेंटीमीटर ऊपर, हर घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है जलस्तर, रुदौली व पूरा बाजार के तटीय गांव में जनजीवन प्रभावित। यूपी में 14 आईएएस ट्रांसफर, 10 जिलों के डीएम बदले, सांसद विधायक की नाराजगी के बाद एसएसआई बरेली से त्याग अनिरुद्ध हटाए गए। करबला इराक में हिंदुस्तान जिंदाबाद की गुजी, सदा सुल्तानपुर के युवाओं ने लगाए ब्लैक बैग का हुसैन किनारे।
गोंडा में खतरे से 48 सेंटीमीटर ऊपर बह रही घाघरा नदी चार घर नदी में समाई, कई बीघा फसल डूबी। अमरोहा में दलित मां बेटी की हत्या, मां के पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप, डीआईजी शलभ माथुर मौके पर पहुंचे। नगर को कचरा मुक्त बनाने में जुटा नगर पालिका, पालिका अध्यक्ष मनोज ने कहा इंडियन स्वच्छता लीग में दमदारी से करेंगे भागीदारी। अमृतवर्ष में सुरक्षित नहीं राष्ट्र के राष्ट्रपिता, रायबरेली जिले के बक्सराव में लगी महात्मा गांधी की मूर्ति का सर गायब। हापुड़ बार चुनाव में एनुअल हक का अध्यक्ष पद पर कब्जा, सचिव बने नरेंद्र शर्मा, 845 मतदाताओं ने अपने मत का किया प्रयोग। बाइक चोरी के गप में बिजली कर्मी ने किया सुसाइड, झांसी में गोलगप्पे खाने के लिए रुका था। फर्रुखाबाद में युवक को अगवा करके पीटा, पुलिस दो संदिग्ध युवकों को उठाकर पूछताछ कर रही है। आगरा में सरकारी स्कूल में खैनी दबाकर चटाई पर सो गई प्रिंसिपल, बच्चों से स्कूल में कराई जा रही मजदूरी। उन्नाव में पालिका ने कराई घाटों की सफाई, गंगा किनारे गंदगी न फैलने का लिया संकल्प, लोगों को किया गया जागरूक। मैनपुरी में दहेज हत्या के मामले में पिता बेटे को उम्र कैद, 7 साल बाद पीड़ित परिवार को मिला न्याय, 28,000 का लगाया जुर्माना। बिजनौर में अपराध को लेकर पुलिस सतर्क, एसपी ने 50 कोबरा मोबाइल बाइक को दिखाई हरी झंडी। भदोही में मृतक के परिजनों से मिली सपा विधायक, 1 लाख की आर्थिक सहायता, मामूली कहासुनी में हुई थी मारपीट। मेरठ में जाम से बचने का पुलिस का नया प्लान तैयार, मेरठ एसएसपी ने मीटिंग में होमगार्ड से लेकर सीओ तक सभी से पूछे सवाल। कांग्रेसियों ने वाराणसी में पदयात्रा निकाली, कांग्रेस के नेताओं ने कहा भाजपा के राज में महंगाई ने परेशान कर दिया है देश की जनता को। बिजनौर में युवती ने लगाई फांसी, परिजन बोले गांव के युवक ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदायूं में हुक्का बार संचालक गिरफ्तार, खाकी के नुमाइंदों की सरपस्ती में चल रहा था बार। बागपत में पुलिस ने किया पैदल गश्त, असामाजिक तत्वों को दी चेतावनी, वाहनों की भी ली गई तलाशी। चंदौली के हॉट मिक्स प्लांट में लगी आग, 50 लाख का नुकसान, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया। बदायूं में शराब पीकर लौट रहे युवक की मौत, मदहोशी की हालत में मिले साथी ने कबूली बात, आलापुर इलाके में हादसा। सीतापुर में बजरंग मुनि जिला अस्पताल में बैठे धरने पर, शहर कोतवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। लखीमपुर के बाद बदायूं में दलित किशोरी का रेप मर्डर, लड़की मानसिक कमजोर, शरीर पर चोट के निशान।
अलीगढ़ 7 साल की उम्र से सौतेले चाचाओं ने किया रेप, बचपन में पता नहीं चला कि क्या हो रहा, 27 साल बाद मांगा न्याय। गोरखपुर में पुलिस की गोली से घायल हुआ पशु तस्कर, 2 फरार, पुलिस को देख भाग रहे थे तस्कर। मुरादाबाद में बिजली विभाग में करप्शन का कनेक्शन, मुरादाबाद में एक जेई घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, दूसरे का ऑडियो वायरल। सीतापुर में नगर विकास राज्य मंत्री की फिसली जुबान, बोले विश्वकर्मा जयंती की तरह पीएम मोदी की भी जयंती मनाई जा रही है। उत्तराखंड में 4 धाम समेत कई ऊंची चोटियों पर हिमपात से बड़ी ठंड, सुचारी हुई फूलों की घाटी का यात्रा। देहरादून में रईस जादे की गुंडागर्दी, कार साइड करने को कहा तो सैलून मालिक पर झोंका फायर। उत्तराखंड के विकास नगर के प्रतिष्ठित डॉक्टर ने शक्ति नहर में लगाई छलांग, पुलिस को नहीं मिला कोई सुराग। राजस्थान के पार्क में देहरादून की छात्रा से दुष्कर्म, दरिंदे ने खुद को गाइड बताकर अपराध को दिया अंजाम। हरीश रावत ने बीते 6 वर्षों में उत्तराखंड में हुई नियुक्तियों पर साधा निशाना, कहा मारा गया आम जनता का हक। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरीवाल निशंक ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठा रही धामी सरकार। उत्तराखंड में बदहाल सड़कों की खबर पढ़कर मसूरी पहुंचे जिलाधिकारी, कहा 3 दिन में सड़कें दुरुस्त नहीं हुई तो होगी एफआईआर। उत्तराखंड में पहाड़ों में दुश्वारियां बरकरार, दून में बारिश से सड़कें बनी तालाब, रविवार से कुछ राहत। उत्तराखंड के केदारनाथ के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक, सभा मंडल से कर रहे हैं शिवलिंग के दर्शन। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 20 माह में 74 लोगों के शव मिले, 20 की शिनाख्त कर रही पुलिस। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 24 करोड़ से कुमाऊं का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम तैयार, 1.5 करोड़ की लगेगी कुर्सियां। उत्तराखंड में भारी बारिश से कुमाऊं में 62 सड़कें बंद, होटल के कमरों में डूब के रहे पर्यटक। उत्तराखंड में स्थापित होगा 100 बेड क्षमता का आयुष ग्राम, केरल की आर्य वैद्यशाला ने जताई सहमति। भर्ती घोटाले को लेकर आक्रोश, मंत्री प्रेमचंद के काफिले को दिखाए काले झंडे, हिरासत में लिए गए कांग्रेस कार्यकर्ता। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल को फिर टाल गए सीएम धामी, बोले मंत्रियों के कामकाजी समीक्षा के लिए 6 महीने ना काफी। नवंबर में पाकिस्तान को मिलेगा नया सेना प्रमुख, पीएम शहबाज चीन के दौरे से पहले करेंगे नियुक्ति। पाक में तेजी से फैल रही है सांप्रदायिक हिंसा, टीटीपी और टीएलपी जिम्मेदार, शियाओं को सबसे ज्यादा खतरा।
पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों में फैली जलजनित बीमारियां, सिंध में एक दिन में 90,000 से अधिक लोगों का हुआ उपचार। अमेरिका के अलास्का करेगा भीषण तूफान का सामना, बाढ़ और बिजली कटौती की आशंका। किर्गिस्तान ताजिकिस्तान के बीच भीषण संघर्ष में 24 की मौत, 1,36,000 नागरिकों को संघर्ष क्षेत्र से बाहर निकाला गया। जापान में नॉन मॉडल तूफान का अलर्ट, 270 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ाया गया, 29 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने के आदेश। इटली में 25 को होगा पीएम के लिए चुनाव, जॉर्जिया के वोट शेयर 46% हुआ, चुनाव जीतने पर बन जाएंगी पहली प्रधानमंत्री। हिजाब ना पहनने पर इतना टॉर्चर किया कि गई जान, ईरान पुलिस ने गिरफ्तार किया था, परिवार ने प्रताड़ना का आरोप लगाया। अफगानिस्तान में बढ़ते आतंकी नेटवर्क दुनिया के लिए खतरा, ट्रंप के पुरुष सलाहकार ने जताई चिंता। रूसी सेना ने कई यूक्रेनी ठिकानों पर किए हमले, परमाणु हथियारों को लेकर बाइडेन की पुतिन की चेतावनी। गूगल पर 32,000 करोड़ का जुर्माना, भारत यूएस यूई उठा रहा सख्त कदम, गूगल जैसे टेक दिग्गजों की मोनोपोली की चुनौती। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को झटका, महाराष्ट्र एफडीए ने लाइसेंस कैंसिल किया, मार्केट से वापस ले लिए होंगे प्रोडक्ट। वीवो T1 5G के 3 वेरिएंट लॉन्च, बजट स्मार्टफोन की शुरुआत कीमत थी 15,990, 50 MP ट्रिपल रियर कैमरा। लगातार छठे सप्ताह घटा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, 17,000 करोड़ घटकर 43 लाख करोड़ रुपए हुआ। स्टार्टअप ने ड्रोटाइट मेड उड़ाई बाइक, एक्सट्रीम होवर बाइक की टॉप स्पीड 16 किलोमीटर प्रति हावर की कीमत 6.19 करोड़। अंबुजा और एसीसी का अधिग्रहण, बड़े बेटे करण को सौंपी सीमेंट कारोबार की कमान। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कदम जमाने की तैयारी में महिंद्रा ग्रुप, ऑटोरियम टीचर्स से हुआ करार। गिरावट और चांदी में बंपर तेजी, सोना गिरकर 50,566 पर पहुंचा, चांदी 56,700 के पार निकली। टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर लॉन्च कार की कीमत 15.11 लाख रुपए से शुरू, मिड साइज एसयूवी देगी 27.97 किलोमीटर का माइलेज। भारतीय इकोनॉमी में भी आगे भी जारी रहेगा तेजी, 2029 तक भारत बनेगा दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। चंडीगढ़ पहुंची टीम इंडिया, 20 सितंबर को खेला जाएगा पहला T20 वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया उठा रहे कॉन्टिनेंटल फूड का लुफ्त। विराट कोहली के बैटिंग क्रम से बदलाव वाले विकल्प पर भड़के गौतम गंभीर, कहा बकवास शुरू मत करो। पठान बंधुओं ने मिलकर मचाया धमाल, तूफानी बैटिंग देकर फैंस की खुशी का ठिकाना न रहा, बोले कुछ नहीं बदला यार।
कैफ ने एलएलसी में चटकाए विकेट से गांगुली को चिढ़ाए, पठान ने दिया यह मजेदार जवाब, कहा वैसे बोला क्या मैं जरा सुन तो नहीं पाया। गुजरात जायंट्स ने इंडिया कैपिटल्स को दी मात, कोविन ओब्रॉय ने जड़ा तूफानी शतक। मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलियाई सीरीज से बाहर, कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तीन मुकाबलों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा थे। बजरंग पुनिया वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हारे, अमेरिका के रेसलर ने 0-10 से दी मात, चोट के बावजूद मुकाबला खेलने उतरे थे। टीम इंडिया के चयन पर फिर उठे सवाल, पूरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिशेल जॉनसन ने स्क्वाड कंपोजिशन को बताया रिस्की। टी20 वर्ल्ड में मैच में रनों की सुनामी, केविन ओब्रॉयन एस्ले नर्स की आतिशबाजी, 104 गेंद पर ठोक डाला 209 रन। पाकिस्तानी छह फुटिया गेंदबाज मोहम्मद जीशान की गेंदों पर आए भूकंप, प्रैक्टिस में इंग्लैंड के बैटरों का किया बुरा हाल। अगले साल 29 जून को रिलीज होगी ड्रीम गर्ल 2, आयुष्मान खुराना के साथ अनन्या पांडे आएंगी नजर। प्रेगनेंसी में भी हार्डवर्क करें, आलिया भट्ट सेट पर आई नजर, वीडियो देख फैंस ने बताया बॉस लेनी। रश्मिका मंदाना ने स्टेज पर किया धमाकेदार डांस, शिवल्ली का डांस देख फैंस ने कहा नजर ना लगे। कॉफी विद करण 7 का हिस्सा बनेंगे विद्या बालन, मजेदार वीडियो शेयर कर फैंस को दिया हिंट। प्रीति जिंटा ने शेयर किया रोमांटिक वीडियो, पति के साथ समंदर में चिल करती दिखी, सुजैन खान ने कहा आई मिस यू। ₹300 करोड़ क्लब में ब्रह्मास्त्र रणवीर आलिया के करियर की सबसे बड़ी ओपनर, ऑस्ट्रेलिया के टॉप में विकेट चार्ट में भी शामिल। इंदिरा गांधी के रोल में नजर आएंगी फातिमा सना शेख, विक्की कौशल के साथ सैम बहादुर में आएंगी नजर। विक्रम वेधा का गाना एल्कोहोलिया रिलीज, मस्तमौला अंदाज में दिखे ऋतिक रोशन। फिल्म मेकर कृष्ण देव शौर्य का निधन, 52 साल की उम्र मिली अंतिम सांस, बेटे रणवीर ने सोशल मीडिया पर लिखी इमोशनल पोस्ट। ब्रह्मास्त्र को मिले मिक्स रिव्यूज पर आयान ने किया रिएक्ट, बोले मैं दूसरे पार्ट को बनाने से पहले सभी बातों का ध्यान रखूंगा। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।